नमस्कार, मैं हूं लवली सुधा। आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज आपका हार्दिक स्वागत है। खबरों की शुरुआत से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे सत्यवार्ता टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से चल रहा है विशेष एपिसोड जीवन परिचय। हमारे साथ बैठे हुए हैं अख्तर अली अंसारी जी और जाहिद शेख जी। तो अभी आपके गरुण भाई ने जिसका जानकारी दी, बहुत सारी जानकारी दी लोगों को, लेकिन आपके माध्यम से जानकारी दर्शकों को हमारे देना है कि आप का जन्म कब हुआ और कहाँ पर हुआ, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है, जमीन के बाद कब से। मेरा जन्म भिवंडी में हुआ है, मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ। मैं धावन नाटक स्कूल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हूँ और अभी भी मैं भिवंडी में रहता हूँ और मेरी फैमिली भी है। हमारा जन्म नहीं हुआ, कारोबार हमारा सब कुछ नहीं है। तो आप ये पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, जन्म नहीं हुआ है, तो आप इस एंटी करप्शन में जुड़ने का आपका उद्देश्य था कितना अफसर जुड़े हुए। हमारा उद्देश्य है कि एंटी करप्शन में जुड़ने के लिए कि हमारे कोई लाइन नहीं मिलती थी या हमको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता काम करने के लिए। हमारे को कैसा है कि हमाम हमाम के लिए काम करने के लिए तो हमको कुछ मिलता नहीं। तो हमारे आसिफ खान जो है हमारे अध्यक्ष हैं, वो हमारे पास लेके आए हमारे को और बोले कि हम सब जुड़ के काम करेंगे। और मैं कुछ दिन पहले साथ में रहा, काम देता हूँ और काम सब किए, इसमें कोई भेदभाव है नहीं। जैसे अपने महबूब भाई बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब जो हैं वाकई में राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हैं, वाकई में काम कराते हैं। हम बहुत सी जगह काम किए, जा काम किए और ऐसे भी हम देवनगर में या काकू भाई साल में ऐसे हम लोगों ने गेहूँ चावल भी बताया और गरीबों को कपड़े वगैरह भी बांटे। तो हम लोग बहुत से सारे काम कैसे करके रखे कि हमको ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग साथ में भी हैं और कर भी रहे हैं और अभी आगे हम लोग और काम कर भी रहे हैं। आने से पहले आप किसी और संस्था में नहीं काम करते थे? मैं कोई पार्टी में नहीं, कोई फंक्शन में नहीं था जिसमें मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ हूँ। मेरे को लगभग आज 8-9 महीना हो गया होगा और मैं जब से हूँ काम काज के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम और हमारी टीम में और लोग भी हैं, आज मौजूद नहीं है आपके, लेकिन हम सब मिल के काम करते हैं। हमारे में इतना ही है, अगर हमारे में कभी कोई काम है, अगर कोई बाहर भी है तो हम बाहर भी लगे करते हैं। थाने डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी जरूरत पड़ती है हम जाते हैं। इससे पहले एक मुमरा में मेटर था, वो कैसा था, कुछ बैंक वाले लोग ने औरत का सामान वामान जो था पैसा सामान ले लिया, तो उसको हम लोग कार्रवाई की है। जो आपके करा उसके ऊपर केस भी दिए कलवा चौकी में, तो सब करके दिए। भिवंडी में कैसा है कि ऐसे तो हम लोग रोज काम तो ऐसे रोजाना छोटे मोटे काम तो रोजाना चौकी में करते हुए बड़ा सोशल हमारा लगता है। तो वहाँ के हमाम जैसे वार्ड 19 नंबर वार्ड में हमारा घर है, तो 19 नंबर वार्ड से हमारे पास रोज एक दो कुछ न कुछ ऐसे केस आते हैं। तो हम ऐसा करके किसी के घर का झगड़ा हुआ तो आपस में किसी का मियाँ बीवी का मामला वो सब करके देते हैं हम लोग। हमारा इसमें अपने जेब से जब लगे थे हम धन सब लगाते हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है हमारे, मतलब जैसे हमारे आसिफ खान की जरूरत पड़ती है, हमारे रास्ते की जरूरत पड़ती है, हम कॉल करते हैं, हमारा काम हो जाता है। इस तरह भी आपने बोला कि जिस वर्ग में रहते हैं वहाँ पे पानी की बहुत सारी समस्याएं हैं, कचरे की समस्याएं हैं, जो मूलभूत सुविधा लोग रहती है, तो उसे में आपने कभी किसी से शिकायत की है, उसके लिए काम किए हैं करने वाले? पानी की शिकायत तो बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। हम लोग पानी की आज 5-6 साल 10 साल से बहुत ज़्यादा तकलीफ है वहाँ पे। मेरा बहुत सारा 2-3 फ्लेट है वहाँ का, हमारे बचपना वहाँ गुजर गया है। पानी की बहुत ज़्यादा वहाँ तकलीफ है। इससे पहले वहाँ का नगर सेवक था, क्या नाम है, भगवान टावरे, तो उसने आजकल मतलब करते 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 अभी वो इलेक्शन हार चुका है, अभी इरफान अंसारी आया है, वो हमारे साथ में ही है, वो काम कर रहा है अभी, लगभग बहुत फास्ट काम कर रहा है। देवनगर तक का पानी आ गया है, हमारे घर तक का पानी आने में बहुत फर्क है, लेकिन इरफान भाई ने बोला है कि आप पर पानी पहुँच रहा है। हम लोग उनको बगैर से बोले तो वही पानी पहुँच रहा है। एक आठ हफ्ता का वक्त मांगे हैं, लाइन दौड़ा रही, काम चालू है, काम फास्ट चल रहा है, पानी की तकलीफ हमारे यहाँ जल्द खत्म हो जाएगी। अगर किसी को आपके से मिलना हुआ, बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि आप किसका बताना चाहोगा? तो हमको अगर जैसे महबूब भाई ने बताया कि हमारी ऑफिस धावन आकिब है, वहाँ पे हमारी कार्यालय का ऑफिस है, वहाँ पे भी मिल सकते हैं। और 19 नंबर वार्ड में सभी लगभग मेरे को जानते हैं और अगर कुछ ऐसा है तो आगे मिल सकते हैं। और उमा गाई का हमारा बैरन यहाँ हमारा नंबर लिखा हुआ है और व्हाट्सएप फेसबुक पर हम चलाते हैं। और अगर ज़्यादा किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हमारी उम्र एक का बैनर लगा हुआ धावन का ऑफिस का नंबर भी है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद जी सर, सभी आपकी जानकारी देने के लिए हमारे दोस्तों को। सभी इसी तरह हमारे उपस्थित हो जाएगी। आप सर कोई प्रश्न आपसे भी है कि आपका जीवन करते हुए हमारे दर्शकों को बताना है? जैसे हमारे बाबू अंदर साहब ने बताया
हमारी गाइड लाइन सभी जारी हो रहा है कि वुमन डाइस हमारी जो टीमें हैं वो ज़्यादातर के आवाम के कष्ट और दुख के निवारण करने के लिए ही यहाँ पे ऑफिस खोली गई है। और हमारे आसिफ खान साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता जी, तो उनसे हमको जो भी मदद मांगनी होती है जो हम इनको कॉल करते हैं वो हमें जल्द से जल्द वो नियुक्त कराते हैं। आपको जो भी है संपर्क देखा जाए कि हिंदुस्तान बहुत सारी संस्थाएँ बहुत सारी उनको चलती हैं, लोग तो भरोसा संस्थाओं से उठते ही जा रहा है तो उनके साथ बहुत से गलत काम हो जाते हैं, पैसे की डिमांड की जाती है, लोगों को काम नहीं होते हैं, चक्कर काट करके परेशान हो जाते हैं, तो ऐसा लोग दिमाग में गलत फहमी रही है वो गलत फहमी निकालने के लिए हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि नाम से आगे नहीं जाना जाता है, काम से जाना जाता है। आप हमें मौका दीजिए, अवसर दीजिए, हमारा काम देखिए, उसके बाद हमारे पर भरोसा दीजिए। इन दर्शकों से यही कहेंगे अभी तक आपने कितने काम किए हो आपकी इससे? हमारी टीम ने अभी कुछ 8 महीना पहले खेड़ेगाँव साइड में हमारे 100-200 के बच्चों को कपड़े बांटे गए हैं। 3-4 महीना पहले हमारे माधवनगर में ऐसा कुछ धवन नगर साइड में होता है, वहाँ पे गरीबों के घरों पर जा करके बहुत सारे तक तस्वीर किए गए। और भी इसके प्लानिंग और भी संस्था लगी हुई है हमारे साइड, टीमें लगी हुई हैं, और जो भी हमसे बन पड़ेगा हम गरीबों के लिए मदद करना चाहते हैं और उनकी सहायता करना चाहते हैं। आपका अगला कदम क्या रहेगा? हमारा कदम तो यही रहेगा कि हम जितना भी आवाम को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहते हैं कि लोगों की सेवा करना है, पुण्य का काम होता है और स्वभाव का भी काम होता है। हम यही दर्शकों से चाहेंगे कि भाई जो भी हमसे रात दिन में जरूरत महसूस होगी आप हमें संपर्क धामा का कार्यालय कर सकते हैं, हम उनसे जहाँ तक बंद पड़ेगा हम वहाँ तक सही। ऐसी एंटी करप्शन के सिवाय और आप किसी पार्टी से या किसी संस्था से जुड़े हुए? संसद अदरवाइज कोई पार्टी में कुछ बिलीव भी नहीं करते हैं, और ये संसद के नाम के और काम के वजह से हम इस संसद में जाएंगे। बहुत ही काम के लाया मतलब ऐसा सहयोग के जीवन मिलते हैं इस संसद में जुड़ने के लिए जरूरी नहीं समझा, बाकी जितना भी हमसे कम पड़ेगा हम उस काम के लिए तैयारी कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपके क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारे बताया कि भाई एरिया में पानी को या कचरों की है, कुछ हमारे वार्ड में भी ऐसा थोड़ा बहुत होती है, बल्कि वो कैसा है हम म्यूनसिपालिटी में अप्लीकेशन करते हैं तो उसका निर्वाह हमारे जो भी प्रभाग के अधिकारी हैं वो उसका निर्वाह निकाल के देते हैं। और हमारे वार्ड के जो इमरान नदी खान साहब है वहाँ भी फिलहाल अभी बहुत ही काम को अंजाम दे रहे हैं और सफाई का ध्यान रख रहे हैं, पानी को लाइन बिछाने का काम उनका चालू है। हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि भाई पब्लिक जहाँ तक सहयोग कर सकें वहाँ तक करें, उन्हीं की दुआ है जो आगे इंसान बनता है। क्या आपकी इच्छा आगे? आगे हमारी इच्छा ये होगी दर्शकों की कि भाई हमसे जो भी सहयोग बन पड़ता है हमारे कंधन से हम उनके साथ हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा भी एक भिवंडी शहर ऐसा हो कि स्मार्ट सिटी फैलाए। हम ये उम्मीद कर रखते हैं कि भाई देश हमारा अच्छे नामों में गिना जाए हमारा शहर, तो और जैसे तो हम ये करते हैं हमारे लिए हमारे संस्था के लिए जो भी हमसे कम करता है दुआ है तो काम को अंजाम देते हैं। धन्यवाद आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इस वक्त इस चैनल पर, तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।